सो गाइस हो चुका है रात रात क्या 7:30 बज गया है और मुझे खाने को कब से भूख लगा हुआ था तो भी खाई नहीं, मोबाइल चलाने के लिए में ध्यान ही नहीं रहा कि कुछ खाना है। तो फिर मेरा फेवरेट चना टमाटर प्याज मिर्ची डाल के एकदम मस्त बना चुकी है, तो फिलहाल इसको खाएंगे। और आज दीपू बाबू ने कटहल लाया तो उसको भी मैं उबालने के लिए चढ़ा दी और साथ में चावल भी बनाने को चढ़ा दी। पहले इसको खाते फिर बना। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल जय सोनी फ्यूचर बिगेस्ट स्टार। आई होप आप सब ठीक होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। और सुबह सुबह जल्दी जल्दी मैं फटाफट सारा काम वाम करके तैयार हो चुकी हूँ। और मैंने नाश्ते में आज बनाया था भिट्टी का, वो क्या बोलते हैं, भिट्टी का भिंडी फ्राई और रोटी। तो मैंने नाश्ते में ले लिया है भिंडी की फ्राई और रोटी, फिर गाना बन रहा था मैं कोचिंग से थके हारे आ चुकी हूँ रूम और तुरंत मैं जाना चाह रही आईब्रो बनाने, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। तो मैं सबसे पहले जाकर आईब्रो बनवा के आती हूँ और साथ में मुझे कुछ खरीदने तो वो भी खरीद के आते हैं। तो चलते हैं हम आईब्रो बनवाने के लिए। सुबह का फेस कितना मस्त फ्रेश फ्रेश सा फेस होता है, लेकिन नया भी ऐसा लग रहा है जैसे कि पूरा जला हुआ जल गए हैं। ऐसा होता है थकने के बाद हुलिया बिगड़ जाता है, तो हुलिया बिगड़ गया मेरा। तो अभी जा रहे थोड़ा, मैं सबसे पहले अब फटाफट बना के आते हैं और कुछ खाने पीने को भी मन कर रहा है, तो देखती हूँ क्या खाते हैं। सॉरी गाइज, एक्चुअली मैं गई थी आईब्रो बनवाने बट वहाँ नहीं मिला, मतलब आईब्रो ब्यूटी पार्लर बंद थे तो मैं नहीं बना पाई। और फिर कल गुरुवार हो जाएगा तो परसों बनाएंगे, वो खुला हुआ नहीं था, शायद बंद हो गया था। तो मैंने एक दो सामान लिए, एक सिंदूर लेना था मुझे लिक्विड वाली तो मैंने लिया, और एक छोटी सी केसर ली, कहाँ गया वो, एकदम छोटा सा प्यारा सा, बस इतना ही लेके आ गई रूम। और फिलहाल मुझे बहुत गर्मी लग रहा है तो जा रही था जल्दी से कपड़े वपड़े चेंज करने पैर हाथ धोने, और फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर नए लुक में, थोड़ी देर बाद नए लुक में। सो गाइस हो चुका है रात रात क्या 7:30 बज गया है और मुझे खाने को कब से भूख लगा हुआ था तो भी खाई नहीं, मोबाइल चलाने के लिए में ध्यान ही नहीं रहा कि कुछ खाना है। तो फिर मेरा फेवरेट चना टमाटर प्याज मिर्ची डाल के एकदम मस्त बना चुकी है, तो फिलहाल भी इसको खाएंगे। और आज दीपू बाबू ने कटहल लाया तो उसको भी मैं उबालने के लिए चढ़ा दी हूँ और साथ में चावल भी बनाने को चढ़ा दी। पहले इसको खाते फिर बनाते हैं आज कटहल वाली सब्ज़ी, जो कि मुझे पसंद बहुत ज़्यादा है। अच्छे से बनाऊँगी फिर अच्छे से खाऊँगी, तब तक आप कंटिन्यू मेरे ब्लॉग पर बने रहो। मैं आ चुकी हूँ किचन और बनाना भी शुरू कर दिया। मैंने प्याज कट कर दिया, इधर कटहल को उबाल कर उसको फ्राई करना शुरू कर दिया। दिखाती हूँ मैं फास्ट कटहल जिसे मैं फ्राई कर रही, बड़े बड़े साइज का दीपू बाबू बोल रहे थे उसको छोटा कर देने के लिए, सोच रही फ्राई करते करते उसको छोटा कर देंगे। साथ में मैंने प्याज काट लिया, कटहल फैला रखा है तो मैं काट के इसको थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। कटहल की सब्ज़ी इतनी टेस्टी बनी थी कि हम लोगों ने इंतज़ार ही नहीं किया ज़्यादा देर और फटाफट खा लिए। इसकी वजह से मतलब मैं उसकी वीडियो भी नहीं बना पाई थी कि कटहल की सब्ज़ी कैसी दिख रही थी, लेकिन कटहल का सब्ज़ी बहुत ही अच्छा बना था, मेरे को तो पसंद पहले से था ही और मैंने बहुत अच्छे से बनाया था। दीपू बाबू भी खाए, वो भी खुश हुए, उन्होंने कहा हाँ अच्छा लग रहा था उनको, तो हम दोनों फिर मिल के खाए। बाकी क्या, रात हो चुका है तो चलिए मैं सोने के लिए। बाकी इस ब्लॉग को देखते रहो आप सभी, बाकी इस ब्लॉग को यही पेंट करते हैं, देखते रहो मेरे वीडियोस को, लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, कीप वॉचिंग माई वीडियो, बी हेल्दी एंड बी बेस्ट। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, कल मिलते हैं फिर एक अच्छे ब्लॉग के, बाय, थैंक यू।